हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोडुहब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हम आज बात करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, इसका शेप कैसा होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें ब्लड फ्लो किस तरह से हो रहा है। इन सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, नाम से क्या पता चल रहा है, ये किससे बना हुआ होगा? ब्लड एंड वेसल से बना हुआ होगा। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इसका मतलब ब्लड, जैसे कि आप जानते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट? और उसके साथ साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जैसे कि आप जानते हैं, दो तरह के ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो। सबसे पहला आपको आर्टरी देखने को मिलेगा एंड दूसरा टाइप ऑफ ब्लड वेसल जिसे कि आप वेन के नाम से जानते हैं। सो आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट से बाहर किसी भी ऑर्गन को ब्लड देते हैं, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब ब्लड को ये कहाँ लेके जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट। और उसी तरह से अगर हम वेन के बारे में बात करते हैं तो वेन कहाँ से, कोई भी बाहर से, बाहर से मतलब कोई भी ऑर्गन से अगर हार्ट को ब्लड लेके आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वेन बोल देते हैं। सो ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जैसे जो कि आप क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके होंगे कि ब्लड एंड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें बहुत सारे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको RBCs देखने को मिलेगा, WBC देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लेटिलेट्स भी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के लोकेशन पे। सो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि हार्ट का जो लोकेशन होता है ये थोरसिक कैविटी में होता है, राइट? हार्ट का लोकेशन कहाँ होगा, ये प्रेजेंट है थोरसिक कैविटी में। इसे हम क्या बोलते हैं, थोरसिक कैविटी बोलते हैं। थोरसिक कैविटी, जैसे कि हमने पल्मोनरी सिस्टम में भी देखा था, जैसे हमने ब्रीदिंग के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो थोरसिक कैविटी होता है ये कहाँ कहाँ से घिरा हुआ रहता है। नीचे की तरफ से आपको थोरसिक कैविटी में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायफ्रागम देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको इस थोरसिक कैविटी में चारों तरफ से किससे ये सराउंडेड होते हैं, रिब्स से सराउंडेड होते हैं। उसी तरह से अगर हम डॉर्सल साइड के बारे में बात करें तो डॉर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होते हैं। तो इसी तरह से एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे बोला जाता है थोरसिक कैविटी। और ये थोरसिक कैविटी को हम अगर और सिंपल टर्म में बोलें तो इसको हम चेस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सो हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी और थोरसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं थोरसिक कैविटी में हार्ट भी प्रेजेंट होता है और लंग्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट लंग के पास प्रेजेंट है इस तरह से, राइट? यहाँ पे आपको हार्ट नज़र आएगा जो कि लेफ्ट लंग के तरफ है। इसी वजह से ये जो लेफ्ट लंग होता है इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है जिसे बोला जाता है मीडियास्टिनम। ओके, ये मीडियास्टिनम वो स्पेस होता है जहाँ पे कि आपका हार्ट रहता है। सो आप देख सकते हैं आपका जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग है दोनों का साइज इक्वल नहीं होता। राइट लंग का साइज थोड़ा सा आपको लार्ज नज़र आएगा, लेफ्ट लंग का साइज आपको थोड़ा सा रिड्यूस्ड नज़र आएगा। और वो रिड्यूस्ड इसीलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट के लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और ये जो हार्ट होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरह टिल्टेड होता है, टिल्टेड शेप होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो स्पेस है ये स्पेस आपको रिड्यूस्ड नज़र आ रहा है, राइट? और अगर हम साइज़ के बारे में बात करें, हार्ट का कितना साइज़ होता है, तो आप अपनी मुट्ठी जब बंद करते हैं, क्लेंस्ड फिस्ट, राइट? आप जब अपना मुट्ठी बंद करते हैं तो ये इसका साइज़ जितना होता है बंद मुट्ठी का, उतना ही साइज़ होता है हमारा हार्ट का। सो यहाँ पे एक और पिक्चर दिया गया है हार्ट के लोकेशन के बारे में। आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, मीडियास्टिनम स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होगा, थोरसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा और अगर सिंप्लीफाई बोलें तो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे आपको डायफ्रागम देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये रिब्स से सराउंडेड होंगे और पीछे की तरफ से ये वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल के बारे में, मतलब हार्ट में कौन कौन से चैम्बर,
वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है, मसल से बना हुआ होगा। मसल है तो फिर कुछ ना कुछ उसका अपर मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था लंग्स में, लंग्स के भी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर उसके आउटर कवरिंग में लेयर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से ये जो हार्ट होता है, हार्ट का भी जो वॉल होता है, जो सरफेस होता है, उसमें तीन लेयर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लेयर कौन सा होगा, सबसे पहले एक फाइब्रस लेयर होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम बोला जाता है इसे, पेराइटल का मतलब बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है। पेरिकार्डियम, कार्डियम किसे हम बोलते हैं, हार्ट के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं। पेरी का मतलब पेरिफेरल रीजन और आउटर रीजन, सो आउटर रीजन में हार्ट का जो वॉल, एक्चुअल वॉल प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। उसी तरह से एक और होता है पेरिकार्डियम, उसका नाम क्या है, विसरल पेरिकार्डियम। आप जानते हैं विसरल हम टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्गन से कनेक्टेड होगा जो लेयर, उसके लिए हम विसरल वर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसा हार्ट का लेयर जो कि ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, मतलब हार्ट के साथ कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोल देते हैं, विसरल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। सो पेराइटल पेरिकार्डियम किससे कनेक्टेड होगा, आउटर सरफेस से कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, और विसरल पेरिकार्डियम किससे कनेक्ट होगा, डायरेक्टली हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से विसरल पेरिकार्डियम से बन रहा होगा। सो इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा स्पेस नज़र आएगा, राइट, इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में आपको एक छोटा सा स्पेस नज़र आएगा, और इसी स्पेस का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी का मतलब सिंपल टर्म में बात करें तो स्पेस होता है, पेरिकार्डियल का मतलब क्या है, पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियम क्या होता है, हार्ट का वो लेयर जो कि आपको आउटर मोस्ट सरफेस पे देखने को मिलेगा, और ये जो आउटर मोस्ट सरफेस में आपको देखने को मिल रहा है, ये आइदर एक लेयर जो कि फाइब्रस लेयर से कनेक्टेड होगा, वो जिसे कि हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक आउटर मोस्ट लेयर जो कि हार्ट में जुड़ा हुआ होगा और फिर उससे कनेक्टेड होगा, उसे बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ये तो रहा पेरिकार्डियम, मतलब आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद क्या होता है, एक मिडिल लेयर होता है, और इस मिडिल लेयर का नाम क्या है, मायोकार्डियम। मायो, ये जो मायो टर्म होता है, ये हम मसल के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये लेयर जो है ये मसल से बना हुआ होगा, मतलब ये मस्कुलर लेयर होगा। उसी तरह से अगर सबसे इनर मोस्ट लेयर के बारे में हम बात करें, तो ये क्या होता है, एंडोकार्डियम होता है। एंडो का मतलब इनर, कार्डियम का मतलब हार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, सो हार्ट में कितने वॉल्स प्रेजेंट है, मैं बोल सकती हूँ ब्रॉडली यहाँ पे तीन वॉल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला पेरिकार्डियम होता है, आपके एनसीईआरटी में से पेरिकार्डियम का नाम दिया हुआ है, सो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पेरिकार्डियम भी लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है, आपको पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेयर कौन सा होता है, एक मस्कुलर लेयर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। उसी तरह से इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एंडोकार्डियम बोल देते हैं। सो ये तो था थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, इसको मैं फिर से अपने तरीके से एलैबोरेट कर रही हूँ अगेन, सो इसको ध्यान से देखना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। सो हार्ट के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले हार्ट कैसा होता है, ये मीजोडर्मली ओरिजिन होता है। जैसे कि आप जानते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन, ये जो ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं, ये किसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं अगर एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनाता है जिसे बोलते हैं हम जाइगोट, और ये जाइगोट क्या करता है, फर्दर डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ये क्या करेगा, मोरूला बनाएगा, ब्लास्टूला बनाएगा। ये सारे के सारे स्टेज आप 12th में जाके पढ़ेंगे जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। सो मैं एक बेसिक सा एक स्टेप, बहुत सारे स्टेप स्किप करके मैं यहाँ पे एक स्टेज बना रही हूँ जिसके कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, ओके। सो यहाँ पे जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, यहाँ पे लेयर का बनना शुरू होता है, और ये जो लेयर्स होते हैं, ये लेयर फर्दर क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इन ऑर्गन्स को बनाने का ट्राई करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू जिस तरह से आपको समझ में आ जाए उस तरह से बनाने का कोशिश कर रही हूँ, तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टो नाम से क्या पता चल रहा है, आउटर मोस्ट, डर्म का मतलब क्या होता है, लेयर, ओके, एक्टोडर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा,
एक मिडिल में आ जाता है जिसे बोला जाता है मीजोडर्म, और तीसरा जो कि इनर मोस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म बोलते हैं। मोस्टली जो मसल्स होते हैं ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, इसका मतलब जो लेयर है वो मिडिल लेयर से बना होगा मसल्स, ओके। उसी तरह से ये जो हार्ट है ये किससे बना हुआ है, इसी मीजोडर्म से बना हुआ है, इसीलिए इसका हम क्या बोल रहे हैं, इसे मीजोडर्मल ओरिजिन बोल रहे हैं। हार्ट प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंट होता है थोरासिक कैविटी में, राइट। थोरासिक कैविटी, और थोरासिक कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी। यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग के बीच में ये प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, मीडियास्टिनम स्पेस बोला जाता है, ओके, मीडियास्टिनम स्पेस इसे बोल देते हैं। उसी तरह से अगर हम साइज के बारे में हम बात करें तो साइज ऑफ हार्ट, साइज हार्ट का कितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। उसके बाद अगर हम इसके लेयर के बारे में बात करें तो ये जो हार्ट होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, क्योंकि इसका जो लेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं और कार्डियक लेयर बोलते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर से ये प्रोटेक्टेड होगा तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ये प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम हम बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पेरिकार्डियम होगा, पेरिकार्डियम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ओके, ये होगा आपका आउटर मोस्ट लेयर। उसी तरह से अगर हम हार्ट के लेयर के बारे में बात करें, लेयर्स प्रेजेंट इन हार्ट मसल, यहाँ पे कितने लेयर प्रेजेंट होंगे, आपको तीन लेयर नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेरिकार्डियम, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मायोकार्डियम, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एंडोकार्डियम, ओके। ये तीनों लेयर जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ओके, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम के बारे में। उसके बाद हम तीनों लेयर्स के बारे में एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। पेरिकार्डियम, सबसे पहले बात करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होंगे, ओके, ये लेयर आपको आउटर मोस्ट नज़र आएंगे, बाहर की तरफ नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली अगर ये बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है तो इसका काम क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इसका मेन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है प्रोटेक्शन। उसके बाद सेकेंड लेयर क्या होता है, हम जानते हैं मायोकार्डियम होता है, और ये जो मायोकार्डियम होता है ये लेयर किससे बना हुआ होगा, ये मोस्टली बना हुआ होता है मसल से, मतलब ये लेयर आपका मस्क्यूलर लेयर है, और ये जो मस्क्यूलर लेयर है इसका काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। आप जानते हैं जो हार्ट होता है ये बीटिंग करता है, राइट, हार्ट बीट करता है, सो ये जब हार्ट बीट कर रहा है इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, आप जानते हैं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ये जो मायोकार्डियम है ये एक्चुअली क्या करता है, ये काम करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम जो है ये मायोकार्डियम करेगा। उसके बाद कौन सा लेयर आता है, एंडोकार्डियम आता है, और एंडोकार्डियम क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है हार्ट से, डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, जो कि हार्ट को क्या करेंगे, ब्लड प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो ये था एक बेसिक सा आउटलाइन जिसे कि आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने जैसे ही बात किया था कि जो पेरिकार्डियम होता है, दो पेरिकार्डियम के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसे क्या बोला जाता था, पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता था, और ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने लंग्स में भी देखा था एक फ्लूइड प्रेजेंट होता था, इसी तरह से पेरिकार्डियल कैविटी में भी आपको एक फ्लूइड नज़र आएगा, और ये फ्लूइड क्या करता है, डेफिनेटली दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उस फ्रिक्शन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट होंगे, एक तो पेरिकार्डियम होगा, मतलब दोनों पेरिकार्डियम लेयर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि मायोकार्डियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है तो ये लेयर कैसा होगा, ये आगे पीछे इस तरह से मूव कर रहा होगा। सो अगर मूव करेगा तो बाहर वाला जो लेयर है उसके साथ ये क्या करेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा। सो इसी फ्रिक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे इसने क्या किया है, बहुत सारे यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। सो ये फ्लूइड क्या करेगा, जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको रिड्यूस कर देगा।
उसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में. सो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नज़र आएंगे. सो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. होपफुली आपने टेंथ में इसको कवर किया ही होगा. यहाँ पे हम बस और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. सो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है हार्ट, इसी तरह का दिखता है. आप जैसे कि जानते हैं हार्ट में चार चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. चार चैम्बर होते हैं, दो छोटे छोटे चैम्बर आपको नज़र आएंगे ऊपर वाले हिस्से में, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, एट्रिया बोलते हैं और एट्रियम बोलते हैं. उसी तरह से नीचे वाले हिस्से में आपको दो वेंट्रिकल्स नज़र आएंगे. सो दो एट्रिया आपके पास प्रेजेंट है और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल जाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ये रहा, ये स्ट्रक्चर आपको एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाते हुए आपको देखने को मिल गया. यहाँ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. उसी तरह से अगर हम बात करें सो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक छोटा सा कनेक्शन होगा, जिसके थ्रू कि ये एट्रियम में जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में पास कर सके, राइट. और यहाँ पे जितने भी चैम्बर्स आपको नज़र आएंगे ये सारे के सारे चैम्बर किससे घिरे हुए होते हैं, मसल से बने हुए होते हैं. सो यहाँ पे चार चैम्बर कौन कौन से होते हैं, एक तो सबसे पहला ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम होगा. दूसरा वाला क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा. राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा और लेफ्ट एट्रियम के नीचे आपको लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगा. उसी तरह से जो चार चैम्बर्स होते हैं एक दूसरे से ये अलग अलग होते हैं. किसके थ्रू अलग होंगे, मसल के थ्रू अलग होंगे. ये एक तरह का गेट नज़र आएगा आपको. मतलब अगर एट्रियम, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बारे में मैं बात करूं तो दोनों के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे मसल का लेयर देखने को मिल रहा होगा और इसे हम क्या बोल देते हैं, सेप्टा बोल देते हैं. सेप्टा और क्या बोला जाता है, सेप्टम. उसी तरह से दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सेप्टम एरिया, ये रेड कलर का जो देखने को मिल रहा है ये पूरा सेप्टम है. सेप्टम क्या होता है, एक आप मान सकते हैं ये एक वॉल है. मतलब दोनों रूम को सेपरेट करने के लिए जैसे हम एक वॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हार्ट में क्या है, दोनों चैम्बर, मतलब ये सारे के सारे चैम्बर को आपस में अलग अलग करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, मसल का सेप्टम बनाया गया है, मतलब वॉल बनाया गया है. उसी तरह से अगर हम दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को अगर सेपरेट करना है तब भी हमें सेप्टा बनाना पड़ेगा, वॉल बनाना पड़ेगा, राइट. मतलब दोनों एट्रियम को सेपरेट करने के लिए भी हमें वॉल चाहिए, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने भी हमें वॉल चाहिए और एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, वॉल चाहिए. सो ये सारे के सारे जो वॉल्स होते हैं ये इनका अलग अलग नाम होता है, जिसको कि आपको अच्छे से एक बार इसको याद कर लेना है, ओके. सो यहाँ पे बात करते हैं दो एट्रिया के बीच में, मतलब टू एट्रिया. एट्रिया क्या होता है, अपर चैम्बर होता है. इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पे चार चैम्बर है. ये कौन सा चैम्बर हो गया आपका, राइट एट्रियम हो गया, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम. उसी तरह से नीचे वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल और इधर वाला हिस्सा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दो एट्रिया के बीच में यहाँ पे जो वॉल आपको देखने को मिलेगा इसको क्या बोला जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम बोल दिया जाता है. इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम. मतलब सेप्टम का मतलब क्या हो गया, वॉल हो गया था. इंटर एट्रियल का मतलब क्या है, दो एट्रियल के बीच में. इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन होता है. मतलब दो एट्रियम के बीच में एक वॉल बनाया गया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम. उसी तरह से अगर हम बात करें दो वेंट्रिकल के बीच में, इन बिटवीन टू वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल के बीच में आपको जो वॉल मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेम इसी तरह से हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, हम इसे बोल देंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. इंटर वेंट्रिक्यूलर का मतलब क्या है, इंटर का मतलब बीच में आ गया, बिटवीन आ गया. दो वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बोल रहे हैं. उसी तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है. और इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होगा इसको हम क्या बोल देंगे, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड
वेंट्रिकल के बीच में जो आपको वाल नज़र आएगा, इसे आप क्या बोल देते हैं? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बोल देते हैं। सो ये था तीन लेयर आपको हार्ट में नज़र आएगा, जिसके वजह से कि हार्ट के जितने चैम्बर्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, अलग अलग और सेपरेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे इसी तरह से इस डायग्राम में अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक और बार हम क्लियरली देखेंगे पिक्चर को। ओके, सो ये कौन सा हो गया? राइट एट्रियम हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में आपको जो सेप्टा नज़र आएगा, इस सेप्टा का नाम क्या होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। उसी तरह से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इन दोनों के बीच में जो सेप्टा आएगा, इसको हम क्या बोल देंगे? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। उसी तरह से यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला लेयर, इसे आप क्या बोल देते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये जो सेप्टम होते हैं ये क्या होते हैं, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इन दोनों को सेपरेट करेंगे और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों को भी सेपरेट करेंगे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, सो अब सवाल ये उठता है कि हम तो जानते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ब्लड फ्लो होता है, सो अगर हम इन दोनों के बीच में वॉल बना देंगे तो ब्लड फ्लो कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में जो वॉल बनाया गया है, वॉल के बीच में आप समझ लो डोर भी बनाया गया है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं अगर दो रूम के बीच में हमें एंट्री करना है तो अगर वॉल प्रेजेंट है और हमें एंट्री करना है तो हमें क्या चाहिए? एक डोर चाहिए। उसी तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए क्या बनाया गया है? एक छोटे छोटे डोर्स बनाए गए हैं। ये जो डोर होता है इसको आप क्या बोल देते हैं? वल्व बोलते हैं, VALVE। ये वल्व कैसा होता है? ये मसल का बना हुआ होगा, छोटा सा मसल का बना हुआ होता है। ये फ्लैप लाइक अपीयरेंस रखते हैं। फ्लैप का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप डोर में देखे होंगे इस तरह से एक हिंज प्रेजेंट होता है और इस तरह से आपका डोर होता है और इधर आप पकड़ते हो और इस तरह से खोलते हो, ये रोटेट करता है, ये आपका एक्सिस मान सकते हैं। ये एक्सिस है और इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है डोर। सो उसी तरह से ये जो वल्व होते हैं ये भी इस तरह से रोटेट होते हैं। मतलब आप ये जानते होंगे कि जब डोर खोलते हैं तो एक तरफ से ही खोल सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हम 360 डिग्री उसको रोटेट करा सकें। 360 डिग्री रोटेशन नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ आप कितना करा सकते हैं? 180 डिग्री करा सकते हैं रोटेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व प्रेजेंट होता है ये भी डोर की तरह काम करता है। और ये डोर कैसा होगा, यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ, होप कि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस तरह से एक डोर प्रेजेंट है। सो ये जो डोर है इसको हम रेड कलर से बना देते हैं। सो यहाँ पे एक डोर प्रेजेंट है, ऊपर वाला हिस्सा राइट एट्रियम है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है। तो जैसे ही ऊपर वाले हिस्से में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, ये डोर कैसे खुलता है ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, ब्लड ज़्यादा हो गया इसका मतलब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है भाई, तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो क्या ये इस वल्व पे प्रेशर डालेगा? डेफिनेटली इस वल्व पे ये प्रेशर डालेगा। और जैसे ही इस वल्व पे ये प्रेशर डाला, ये वल्व क्या हो जाएगा? ये वल्व हो जाएगा आपका ओपन। ओपन जैसे ही हो जाएगा वल्व इस तरह का हो जाएगा, और जैसे ही वल्व ऐसा हो गया यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएंगे? ये ब्लड इस तरह से फ्लो हो जाएंगे। और फ्लो होने के बाद जैसे ही फिर से प्रेशर ऊपर का कम हो गया, ये वल्व क्या हो जाएगा? फिर से इस तरह से क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप डोर को खोलते हैं, डोर जैसे ही आगे की तरफ अपनी तरफ खोलते हैं उसके बाद आप बंद भी कर सकते हैं, उसी तरह से ये जो वल्व होता है ये क्या हो सकता है? ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रेशर पे। अगर ऊपर प्रेशर ज़्यादा है राइट एट्रियम में, तो ये क्या हो जाएगा? वल्व पे प्रेशर डालेगा और वल्व पे प्रेशर डालने की वजह से वल्व ओपन हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ही ऊपर का प्रेशर रिड्यूस हुआ, क्योंकि अभी ब्लड नीचे की तरफ आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो फिर से ये वल्व कैसा हो जाएगा? ये वल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब ये एक गेट की तरह काम करता है। सो ये जो वल्व प्रेजेंट होते हैं, ये वल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये एज ए डोर प्रेजेंट हो गए, जिसके वजह से कि हम क्या कर सकते हैं, जो एट्रियम में ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आ सकता है और वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो आगे की तरफ भी पास हो सकता है। अभी हमने बात किया
कि ये जो वल्व होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे। लेकिन और कहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, आप जानते हैं जो वेंट्रिकल होता है वेंट्रिकल से भी ब्लड कहाँ जाता है, आगे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। सो ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट एट्रियम से सबसे पहले ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद अगेन आप देख सकते हैं यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा तब भी तो एक गेट चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वल्व यहाँ पे प्रेजेंट है राइट। ये जो छोटे छोटे रेड कलर में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली वल्व है। तो ये वल्व भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में भी वल्व देखने को मिलेगा ये। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ये आउटा में जाएगा, ये ब्लड कहाँ जा रहा है, आउटा में जा रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्या नज़र आएगा, वल्व नज़र आएगा। सो ये था एक छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा डायग्राम हार्ट का। इसको मैंने सिंप्लीफाई यहाँ पे आपको शो किया है। आपको अगर डायग्राम्स ड्रॉ करनी है तो आप डायग्राम इसी तरह से आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे ओके। सो यहाँ पे और दो चीज़ दिया गया है, होप कि ये चीज़ शायद आपको कंफ्यूजिंग करे। सो यहाँ पे क्या दिया गया है देख सकते हैं आप, वेना कावा दिया गया है। वेना कावा का मतलब क्या होता है, ये एक लार्ज वेन है राइट, एक लार्ज वेन है। और हम जानते हैं वेन का काम क्या होता है, वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट में लाता है। कहाँ से ये लाएगा ब्लड को, पूरे बॉडी में जितने भी ब्लड हैं जिनको कि पंप होना है, जिसको कि हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेजना है, उसे हम कहाँ से लाएंगे, पूरे बॉडी से लाएंगे। सो पूरे जो बॉडी का जो ब्लड होता है ये कहाँ से आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा। और कहाँ आ जाएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल के बाद ये कहाँ चला जाता है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन में चला जाएगा। क्योंकि पल्मोनरी वेन में जैसे ही ब्लड जाएगा ये क्या काम करेगा, ये जाके ऑक्सीजनेशन करेगा, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होगा ब्लड में, लंग्स में ये जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगेन लंग्स से ब्लड आ जाएगा और ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये चला जाएगा टोटल सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब क्या है, जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, मतलब ये जो वेना कावा है ये ब्लड कहाँ से लेके आता है, ये हमारा अपर मोस्ट बॉडी पार्ट से लेके आता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो हेड रीजन है, यहाँ से ये ब्लड लेके आएगा, मतलब ये लेके आएगा ब्रेन से, उसके बाद ये थोड़ा सी कैविटी से भी लेके आता है, उसके बाद ये अपर मोस्ट रीजन से लेके आएगा। उसी तरह से नीचे एक और वेना कावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्फीरियर वेना कावा। ये जो इन्फीरियर वेना कावा है इसका काम क्या है, ये नीचे वाले हिस्से से ब्लड सारा लेके आता है, मतलब जैसे कि लोअर लिम्ब्स हो गए, जैसे कि हमारे लेग पोर्शन हो गया, एब्डोमिनल पोर्शन हो गया, यहाँ से ब्लड कौन लेके आएगा, इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से राइट एट्रियम में आता है, सुपीरियर वेना कावा से आता है। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेके आएगा, ये अपर मोस्ट पार्ट से लेके आएगा। उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा लोअर लिम्ब से लेके आता है ब्लड। और ये दोनों ब्लड कहाँ आ जाते हैं, राइट एट्रियम में आ जाते हैं। राइट एट्रियम के बाद ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। सो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेंगे। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके पास की ऑक्सीजन की कमी है, डी ऑक्सी ओके। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा ये लंग्स में चला जाएगा, और बाद में जो ऑक्सीजन लंग्स में प्रेजेंट है वो इस ब्लड में चला आएगा, और ये ब्लड अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इस ब्लड में ऑक्सीजन अब ज़्यादा आ जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से जाके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये आउटा में चला जाएगा। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो वल्व प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिटेल में एक बार बात करेंगे ओके। सो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूँगी। सो आप चाहें तो आप अपने नोटबुक में भी ये सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट कि आपको बाद में ये समझने के लिए आसानी हो जाए ओके।
ओके सो यहाँ पे कौन सा चैम्बर है ये, राइट एट्रियम हो गया, ये वाला आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला आ गया राइट वेंट्रिकल और ये वाला आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद भी यहाँ पे क्या आता है, ब्लड अगेन यहाँ से फ्लो होगा। ओके सो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, फाइन। सो हम जानते हैं राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है ब्लड लंग्स में, ये ब्लड लंग्स में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये पूरे बॉडी में चला जाता है। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, वल्व प्रेजेंट होगा। और ये जो वल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं। ओके सो इसे हम बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। और यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये कौन सा वल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड। ओके यहाँ पे प्रेजेंट है ये ट्राइकस्पिड वल्व। और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व और बाइकस्पिड वल्व को हम क्या बोल सकते हैं, इसे मिट्रल वल्व भी बोलते हैं। ओके इसे बोला जाता है मिट्रल वल्व। सो यहाँ पे जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व प्रेजेंट है इनका नाम से क्या पता चल रहा है, कस्पिड, कस्पिड का मतलब क्या होता है, कस्प होता है, मतलब इस तरह का छोटा सा एक स्ट्रक्चर। सो बाइकस्पिड का मतलब क्या है, दो कस्प इस तरह से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे इस छोटे से एरिया में इस तरह से, और ट्राइकस्पिड का मतलब क्या है, तीन कस्प इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये दोनों क्या काम करते हैं, ये वल्व होते हैं। सो ये अगर वल्व होते हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये गेट की तरह काम करेंगे। ओके उसी तरह से यहाँ पे जो वल्व प्रेजेंट होता है इन दोनों में इस यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी में जाएगा। सो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एक गेट चाहिए। सो इसी गेट में यहाँ पे जो वल्व प्रेजेंट होता है इसे आप क्या बोल देते हैं, इन दोनों में जो वल्व होता है दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वल्व बोलते हैं। ओके इसे बोला जाता है सेमी ल्यूनर वल्व। सो ये जो सेमिल्यूनर वल्व होता है ये क्या काम करता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाता है ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में लेके जाता है, इन दोनों के बीच में ये गेट का काम करता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो वल्व होता है ये किससे बना हुआ होगा। सो डेफिनेटली हमारे पूरे हार्ट मसल का बना हुआ है। सो ये वल्व भी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये मस्क्यूलर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगेन हार्ट के मसल के बारे में। अगर आप हार्ट के मसल के बारे में ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये मस्क्यूलर होता है और इसमें तीन अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियम देखने को मिल रहा था, मायोकार्डियम देखने को मिल रहा था और एंडोकार्डियम देखने को मिल रहा था। हार्ट में जो मसल प्रेजेंट होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्डियक मसल। सो ये हो गया हमारा कार्डियक मसल। सो ये जो कार्डियक मसल होता है, ये जो एट्रियम होता है ना, एट्रियम में कार्डियक मसल का जो लेयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जो एट्रिया होगा, एट्रिया कौन सा पार्ट होता है, हमारा चैम्बर के सबसे ऊपर वाले हिस्से। सो यहाँ पे ये जो एट्रियम प्रेजेंट होते हैं ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। सो एट्रियल वॉल जो होगा, ये वॉल कैसा होता है, ये थिकर होता है। थिकर होने का मतलब क्या है, अगर ये थिकर वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लेयर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मायोकार्डियम थिक होगा, क्योंकि हमने देखा था जो मायोकार्डियम हो रहा था वो मसल से बना हुआ होता था, ये थिक मसल्स होते थे। अगर मैं यहाँ पे अगेन तीनों लेयर के बारे में बात करूँ, सो ऊपर में क्या प्रेजेंट होता, सबसे बाहर पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता था, उसके बाद मायोकार्डियम जो कि काफ़ी थिक लेयर रहता था, ये मायोकार्डियम हो गया, और तीसरा वाला लेयर होता था एंडोकार्डियम जो कि स्मूथ और थिन लेयर होता था। तो मायोकार्डियम एक्चुअली मसल का लेयर है, ये किस में काम आता था, कॉन्ट्रैक्शन में काम आ रहा था। एट्रियल वॉल कैसा है, ये थिकर है, मतलब यहाँ पे मायोकार्डियम का अमाउंट आपको ज़्यादा नज़र आएगा। सो थिकर वॉल और थिकर मायोकार्डियम, ओके थिकर मायोकार्डियम प्रेजेंट, थिकर मायोकार्डियम प्रेजेंट देन किससे होगा, ये होगा हमारा वेंट्रिकल से आपको ज़्यादा थिक यहाँ पे वॉल नज़र आएगा। ओके उसके बाद और एक अगर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इन दोनों में भी थिक वॉल आपको कहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल आपको ज़्यादा थिक नज़र आएगा।
उसका रीज़न क्या है। एक वाल अगर थिक हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वाल का थिकनेस से क्या मतलब होगा। अगर कोई वाल थिक है तो वो उतना ज़्यादा प्रेशर टॉलरेट कर सकता है। जैसे कि अगर मुझे पानी को पंप करना है, ओके, अगर आप वाटर पंपिंग का कॉन्सेप्ट अगर कभी समझे होंगे, तो अगर मुझे पानी को पंप करना है, बहुत दूर लेके जाना है, बहुत हाई स्पीड में मुझे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक थिक वाला वाटर मुझे चाहिए, ओके, एक थिक वाला मुझे पाइप चाहिए जिसके थ्रू कि मैं वाटर को क्या कर सकूँ, ट्रांसपोर्ट कर सकूँ, ताकि ये वाटर प्रेशर को झेल पाए, राइट। और अगर मुझे एक छोटे से डिस्टेंस के लिए वाटर को ट्रांसफ़र करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक थिन पाइप से भी कर सकती हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ये पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का सप्लाई करता है। सो पूरे बॉडी में अगर ब्लड का सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसको उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो कराना होगा, सो दैट कि ये हार्ट से लेके हमारा जो टो रीजन है वहाँ तक फ्लो हो सके स्मूथली। अगर यहाँ पे प्रेशर जनरेशन कम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो डेफिनेटली ब्लड का फ्लो जो है इसका रेट भी स्लो हो जाएगा। और अगर ब्लड फ्लो का रेट स्लो हो गया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ब्लड ठीक तरह से पूरे बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसका मसल जो है ये क्या होता है, काफ़ी थिक रखा जाता है, सो दैट कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो सके। और यहाँ पे जो ब्लड का पंपिंग होगा, ये ब्लड का पंपिंग पूरे बॉडी में हो सके। सो होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो हार्ट का मसल है, हार्ट के मसल में पूरे आप जानते हैं नोडल टिश्यूज़ मिलते हैं। नोडल टिश्यू क्या होता है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि पूरे हार्ट में प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा, ये एक्साइटेबल होता है, मतलब ये क्या हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं। एक्साइट जैसे कि आप न्यूरॉन्स में पढ़े थे, न्यूरॉन एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन होने के बाद न्यूरॉन में क्या होगा, सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। उसी तरह से कार्डियक मसल्स में कुछ टिश्यू मिलते हैं और ये जो टिश्यू होते हैं इनका नाम क्या होता है, ये नोडल टिश्यू होता है। और ये नोडल टिश्यू क्या कर सकते हैं, ये एक्साइट हो सकते हैं, मतलब ये खुद कैसे कर सकते हैं, ये सिग्नल का जनरेशन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सिग्नल जनरेशन हार्ट में होने से क्या फ़ायदा होगा, तो खुद सोचिए, हार्ट का काम क्या है, ये बीटिंग करता है। हार्ट क्या करेगा, बीट करेगा। बीट क्यों करता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, ब्लड को पंप करना होता है। सो ब्लड पंपिंग के लिए हार्ट को बीटिंग करना ज़रूरी है। और हार्ट जैसे ही बीट करेगा, ये कैसे बीट करेगा, इसको कुछ ना कुछ सिग्नल तो डेफिनेटली चाहिए। सो ये सिग्नल कौन देता है, यहाँ पे जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये नोडल टिश्यू इसको सिग्नल देते हैं। यहाँ पे हम अभी बात करेंगे नोडल टिश्यू के बारे में डिटेल में, आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये कौन सा चेंबर था, ये था हमारा राइट ऑरिकल, ये वाला राइट लेफ्ट ऑरिकल था, और उसके बाद ये था लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और ये वाला था लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसी तरह से हमारे पास चार चेंबर प्रेजेंट है। तो चारों चेंबर में ये जो नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, मसल तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला नोडल टिश्यू, जिसे कि आप साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे एसए नोड के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होगा। मतलब राइट वेंट्रिकल ये है, उसका राइट इधर होगा, ओके। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है, और जिसे आप एसएएन के नाम से भी जानते हैं, और इसे आप एसए नोड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक और नोडल टिश्यू आपको देखने को मिलता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, कौन, एवी नोड, एक और नोडल टिश्यू। सो नोडल टिश्यू का काम क्या मैंने बताया था, नोडल टिश्यू क्या होता है, ये एक्साइट हो सकता है, मतलब ये क्या कर सकता है, सिग्नल और इम्पल्स का जनरेशन कर सकता है। सो ये जो एसए नोड है और ये जो एवी नोड है, इनका काम क्या होगा, ये क्या करेंगे, इम्पल्स का जनरेशन करेंगे। इम्पल्स जनरेट करेंगे तो क्या होगा, हार्ट को ये सिग्नल देंगे कि भाई अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, या अब तुम्हें क्या होना है, रिलैक्स होना है, ओके। सो सबसे ज़्यादा सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, साइनो एट्रियल नोड प्रोवाइड करता है। मतलब एक मिनट में हार्ट का जो बीटिंग होता है, आप जानते हो 72 से 80 बीट पर मिनट होता है। सो ये जो 72 to 80 पर मिनट, एक मिनट में इतना सिग्नल कौन दे रहा है इसको, ये देता है एसए नोड। एसए नोड एक मिनट के अंदर 72 से 80 टाइम्स इसको सिग्नल देगा हार्ट को। उसके बाद हार्ट क्या होगा, ये हार्ट आपका
रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसीलिए ये क्या कर रहा है, साइनोएट्रियल नोड एक पेस बना रहा है। पेस का मतलब क्या होता है, एक स्पीड बना रहा है, और ये जो स्पीड बनाता है इसके वजह से इसका नाम हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक स्पेस को बना रहा है, मतलब इनिशिएट कर रहा है, मेकिंग कर रहा है ये। इसीलिए ऐसे नोड का नाम हम क्या रख रहे हैं, पेस मेकर रख रहे हैं। उसी तरह से एवी नोड क्या करता है, एवी नोड का सिंपल सा काम है, ये क्या काम करेगा, ऐसे नोड से ये सिग्नल लेगा, ओके, ऐसे नोड से, ऐसे नोड ने 72 टाइम्स यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये सिग्नल देगा। लेकिन एवी नोड क्या काम करता है, एवी नोड उतना ज़्यादा फास्ट काम नहीं कर सकता, ये छोटा छोटा मतलब आराम से धीरे धीरे से काम कर सकता है। ये फर्दर इसके पास इम्पल्स जैसे ही ऐसे नोड से आया, ये अपना इम्पल्स क्या करेगा, अगेन ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह से ट्रांसमिट किसे करेगा, आगे चल के हम आगे फिर से बात करेंगे कि आगे और भी कई सारे टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे और कौन कौन से टिश्यू होते हैं, अभी हम फिर से बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक तो नोडल टिश्यू होता है, एट्रियम में प्रेजेंट होगा, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के अपर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है एसए नोड, और लोअर लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे एवी नोड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से एट्रियम में ये सारा कुछ था, एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में भी तो आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल को भी क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए, वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, यहाँ से इम्पल्स आने चाहिए। इम्पल्स जब आएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। बंडल्स कौन से बंडल होंगे, ये बंडल होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या था, एक नोड था, नोड मतलब एक छोटा सा हिस्सा, यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हुई हैं, उसके बाद क्या आ रहा है, बंडल्स आ रहे हैं। ये जो बंडल्स हैं, ये बंडल कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, एट्रिया से जनरेट हो रहे हैं, कहाँ तक ये आ रहे हैं, वेंट्रिकल तक आ रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, और इसे आप क्या बोल देते हैं, इसे आप बोल देते हैं एवी बंडल भी बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ओके, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, और इसका नाम क्या है, एवी बंडल, एवी बंडल और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोला जाता है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, अब आ गया कहाँ तक, ये वेंट्रिकल तक आ गया, वेंट्रिकल के आगे भी तो इसको जाना है, क्योंकि वेंट्रिकल तक ही आ गया, अब पूरे वेंट्रिकल को इसको इस तरह से इम्पल्स देना पड़ेगा, राइट। इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकल, मतलब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सारे में आपको ये छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इनका नाम क्या है, इनका नाम हो गया आपका पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे नाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, पुर्किंजे फाइबर इसलिए, ओके, सो पुर्किंजेस फाइबर। सो यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं कहाँ से इम्पल्स जनरेशन होगा, कहाँ तक जा रहा है, ओके okay? हमने देखा सबसे पहले हार्ट में नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इम्पल्स का जनरेशन कर सकते हैं या एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करते हैं, और वो जनरेशन कौन कर रहा था, ऐसे नोड कर रहा था। ऐसे नोड किसको सिग्नल देगा, ऐसे नोड सिग्नल देगा एवी नोड को या एवी एन को सिग्नल देगा। उसके बाद एवी नोड के बाद क्या प्रेजेंट होता है, ये आएगा हमारा, उसके बाद आएगा एक छोटा सा बंडल्स आता था जिसे हम क्या बोलते थे, एवी बंडल और एट्रियो वेंट्रिक्युलर बंडल्स बोलते थे। यहाँ पे आ जाता था एट्रियो वेंट्रिक्युलर बंडल, ओके, यहाँ पे हमने देखा था एट्रियो वेंट्रिक्युलर बंडल्स था, और एट्रियो वेंट्रिक्युलर बंडल से कहाँ ये जाता था, एट्रियो वेंट्रिक्युलर बंडल से फाइनली ये छोटे छोटे पुर्किंजे फाइबर में चला जाता था। ये था आपका इम्पल्स कंडक्शन, ओके, पुर्किंजे फाइबर, ओके, ये था आपका इम्पल्स कंडक्शन कि कहाँ से कहाँ जाता है। इसके बाद एक छोटा सा चीज़ आप समझने का कोशिश करिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता था, ये प्रेजेंट होता था राइट एट्रियम में, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता था, ये भी प्रेजेंट होता था राइट एट्रियम में, दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, राइट एट्रियम में प्रेजेंट थे। राइट एट्रियम के अपर मोस्ट पार्ट में कौन प्रेजेंट था, एसए नोड प्रेजेंट था, और राइट एट्रियम के लोअर मोस्ट रीजन में एवी नोड प्रेजेंट था। उसके बाद ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स होते थे ये कहाँ से ओरिजिन हो रहे थे, ये ओरिजिन हो रहे थे एट्रियम से, एट्रियम से होते हुए ये कहाँ जा रहे थे, वेंट्रिकल में जा रहे थे। यहाँ पे
उसके बाद क्या होता था, उसके बाद छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते थे जिसे हम क्या बोलते थे, पुरकिंजे फाइबर बोलते थे। सो अब सवाल आता है कि एक मिनट में ऐसे नोड कितना टाइम इसको इम्पल्स जनरेट करता है। हमने देखा था ये जनरली 70 to 75 या 70 to 72 टाइम्स इम्पल्स का जनरेशन हो जाता है। ओके, ये हो गया हमारा इम्पल्स जनरेशन। ये इम्पल्स जनरेशन कौन करता है, साइनोएट्रियल नोड करता है। इसीलिए हमारा जो हार्ट होता है 70 to 72 पर मिनट और 70 to 75 जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, 70 to 75 ही आप इसको कंसिडर करिए सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा। 70 to 75 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हमारा जो हार्ट है ये बीट करेगा। सो ये था एक छोटा सा पोर्शन जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपके हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में क्या क्या सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। होप कि सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हार्ट में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, उन सब के बारे में हम डबल सर्कुलेशन में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।